टुडे वी विल डिस्कस लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। आज जो है हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसमें मेनली जो है पहला जो है हमारा लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाती है, जो इसके मेंबर जो है वो जनरली पुअर पर्सन होते हैं, उनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो लिमिटेड होते हैं, और ये कह रहा है कि इनका जो एरिया जो है वो कह रहा है कि लिमिटेड एरिया होता है। इसलिए कह रहा है कि यहाँ जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसका लैक ऑफ कैपिटल होती है। दूसरा क्या है कि इस पे जो मेंबर जो है जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं उन पर जो डिविडेंड रेट जो है लेस होती है, और कह रहा है कि जो इसमें तीसरा जो मेन पॉइंट जो है वो ये है कि हम इसमें वन प्रिंसिपल और वन मेंबर, कह रहा है कि वन वोट, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है किसी मेंबर के पास चाहे एक शेयर हो चाहे हजार शेयर हो, कह रहा कि उनको इक्वल वोटिंग राइट होता है। तो कह रहा है कुछ ऐसे कॉजेज जो होते हैं जिनके कारण जो है इन्वेस्टर जो है वो डिस्करेज होता है, हतोत्साहित होता है और वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा कह रहा है कि इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट, ये कह रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसका जो मैनेजिंग कमेटी जो होती है ये मेंबर्स होते हैं, और मेंबर्स जो है वो कह रहा है कि प्रोफेशनल पर्सन नहीं होते, इसलिए इसमें जो है इफेक्टिव ढंग से इसको मैनेजिंग नहीं कर पाते। दूसरा जो है इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं जो इसके ऑफिस बेरियर्स जो होते हैं वो अनसैलरी पर्सन होते हैं, तो कह रहा है कि इस प्रकार से जो है इसमें मैनेजमेंट जो है वो इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट जो है कैश ट्रेडिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसमें मोस्टली जो ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो कैश ट्रेडिंग होती है, यानी कि ये इसका एडवांटेजेस भी है और एक लिमिटेशन भी है। तो जब कैश ट्रेडिंग होता है तो कह रहा है कि यहाँ जो जनरली जो है वो पर्सन होते हैं और वो क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होने के कारण जो कह रहा है कि जो अदर जो बिजनेस जो है उनकी पर्चीज में फंस जाते हैं, उनसे इस प्रकार से जो उनके चुगल में फंस जाते हैं। और निश्चित रूप से कह रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट और रिजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करवाते हुए भी कह रहा है वो इसके जो प्रोडक्ट को नहीं कर परचेज कर पाते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसमें मेनली क्या होता है कि इसकी मैनेजमेंट कमेटी जो है इसमें गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट करती है, और गवर्नमेंट इसके कंट्रोल के पर्पज से जो मैनेजिंग कमेटी जो है उसमें कह रहा है कि अपना जो मेंबर नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो मेंबर्स है उनको नॉमिनेटेड करती है। जब कह रहा है कि गवर्नमेंट चेंज होती है तो दूसरी गवर्नमेंट जो है वो अपने जो नियर्स जो होता है जो अपने जो गुड फेथ का जो मेंबर्स होता है उनको नॉमिनेटेड करती है। इस प्रकार से कह रहा है कि इसमें जो कह रहा है कि डेमोक्रेटिक बेसिस न होकर के कह रहा है कि एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है ज्यादा रहता है और इसका एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पर। लैक ऑफ मोटिवेशन, कह रहा है कि यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक ग्रुप के रूप में होती है, एक ग्रुप इंस्टीट्यूट होती है, एक संस्था होती है, एक इंडिविजुअल जो है व्यक्ति जो है इसको हाईलाइट में इंडिविजुअल जो पर्सन जो है वो कह रहा है कि इंटरेस्ट इस प्रकार का काम नहीं करता। दूसरा जो है इसमें जो मेंबर्स होते हैं जो पदाधिकारी होते हैं वो जिनको वेतन नहीं दिया जाता है, तो कह रहा है कि निश्चित रूप से कह रहा है कि ये भी इसका एक इफेक्ट पड़ता है कि इसमें मोटिवेशन जो है उसका अभाव होता है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसमें पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो है वो लूज होता है। क्यों होता है कि कह रहा है कि इसकी मैनेजिंग कमेटी जो है उसमें जनरली जो है कुछ इस प्रकार के पर्टिकुलर जो पर्सन है वही नॉमिनेटेड होते हैं, वही इसमें इंक्लूड होते हैं, और वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होते हैं। तो निश्चित रूप से कह रहा है कि उनकी जो डीलिंग जो है वो मेंबर्स को हर्ट करने वाली होती है, इसलिए निश्चित रूप से कह रहा है कि पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर नहीं बन पाता। तो ये भी एक इसमें लैक ऑफ सीक्रेसी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसमें क्या है कि इसकी जो एनुअल रिपोर्ट है अकाउंट जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करवाना होता है, और रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई भी व्यक्ति जो इसकी चीज डिपॉजिट करवा के इसको देख सकता है, इसलिए कह रहा है कि यहाँ सीक्रेसी जो है मेंटेन नहीं रहती। म्यूचुअल डिस्प्यूट, कह रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है कह रहा है कि एक जोश के साथ जो है इसको मेंबर जो है इसको एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, परंतु ये जोश जो है कुछ समय के लिए होता है, जब इनको रिवार्ड नहीं मिलता, इनके बदले में कुछ प्रतिफल नहीं मिलता तो कुछ समय के बाद जो है कम हो जाता है। इसमें कुछ ऐसे जो मेंबर्स होते हैं जो अपने सेल्फिश जो है उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए कह रहा है कि इस प्रकार से वो काम करते हैं, तो कह रहा है कि अदर मेंबर्स है उसका
अपोज करते हैं तो निश्चित रूप से कह रहा है कि उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसका रिजल्ट ये आता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस पर्पज के लिए इस्टेब्लिशमेंट की थी, जिस टारगेट के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इस्टेब्लिशमेंट की थी, वो ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव होता और निश्चित रूप से इसका एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है।